हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो टुडे आई एम बैक विद अनदर जनरल ज़ोडियाक रीडिंग। आज मैं बात करूँगी मेरे वर्गोस के बारे में। सो अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी वर्गो है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना वर्गो दैट ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका May 1st to May 15th 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट वर्गो। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो रहेगा फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो वर्गोज इन लव स्पिरिट, Virgos in love. Wow, Page of Cups, Three of Wands, the Moon, Knight of Wands, Empress, Five of Cups. ठीक है, सो वर्गोज आपके लव सिचुएशन में क्या हो सकता है इन द मंथ ऑफ मे 2021। व्हाट आई सी राइट ऑफ द बैट वर्गो इज दैट आप वेट कर रहे हो यहाँ पे डेफिनेटली किसी चीज़ के, किसी के एक्शन का, चाहे वो किसी और के एक्शन का या आप खुद एक्शन लेना चाहते हो, एंड आप वेट कर रहे हो सही टाइम का या कुछ क्लियर होने का। आई सी दैट आप यहाँ पे कम्युनिकेशन चाहते हो या किसी को एक ऑफर देना चाहते हो। हो सकता है ये नया पर्सन है, हो सकता है दिस कैन बी एन ओल्ड पर्सन ऑल्सो, पुराना एक्स हो या जो भी है, यू वॉन्ट टू ऑफर समथिंग। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आई थिंक आप किसी को सॉरी कहना चाहते हो या आप किसी के साथ समझौता करना चाहते हो, लाइक मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है एंड यू वॉन्ट टू से सॉरी, एंड आप मे बी उस पर्सन से भी सॉरी सुनना चाहते हो। फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी आपको लगता है इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया था, इस पर्सन ने मे बी आपको पास में बिट्रे किया था, एंड आप वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन रियलाइज करेंगे कि इन्होंने क्या गलत किया है, कब ये फॉरवर्ड मूव करेंगे, कब ये आपके सामने आएंगे एंड पूरे चीज़ को क्लियर आउट करेंगे आपके साथ, लाइक वॉट हैपेंड, वॉट इज़ द सिचुएशन, एवरीथिंग। So I see you waiting, okay, and I can also see that aap kind of confused ho ki is pure situation ka reality kya hai and like iska future kya hai, but I also see that kuch log yahan pe impatient ho rahe ho is pure situation ke future ke bare mein ya is pure situation ke bare mein, like there is a lot of impatience, like आप एक जल्दबाजी में हो, आप कुछ जल्दबाजी में करना चाहते हो या आप चाहते हो दैट और कितना वेट करूं, बहुत टाइम हो गया है एंड लाइक या तो मुझे एक्शन लेना चाहिए या तो अब तक उस पर्सन को एक्शन लेना चाहिए था। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्पेशेंस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाउट्स, ठीक है, एंड आई ऑल्सो सी दैट आपको लगता है लाइक यू आर काइंड ऑफ गेटिंग होपलेस। जितना टाइम निकल रहा है वर्गो आप उतना होप खो रहे हो, आपको उतना लाइक आपका होप या आपका जो पॉजिटिव ख्याल है वो कम होता जा रहा है विथ टाइम, बिकॉज़ यू फील दैट कि देर इज़ नो एक्शन, देर इज़ नो मूवमेंट, मे बी ए पर्सन लाइक रियलाइज नहीं कर रहे हैं, मे बी आप एक्शन लेना चाहते हो बट आप एक्शन ले नहीं सकते इस सिचुएशन में, या आपने एक्शन लिया था बट आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला इस पर्सन से। सो बेसिकली आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो वर्गो दैट वॉट शुड यू डू, सो यू आर जस्ट वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग। कुछ लोग यहाँ पे अपने स्टेबिलिटी पे भी वर्क कर रहे हो, यू आर काइंड ऑफ गेटिंग मोर स्टेबल, बट एट द सेम टाइम आई सी दैट यू आर डेफिनेटली वेटिंग हियर वर्गो। सो लेट मी सी दैट आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है वर्गो, व्हाट इज योर पर्सन्स एनर्जीज। वाओ, टू ऑफ कप्स, डेविल, यस, Four of Swords. ये person overthink करते हैं, Eight of Cups, Seven of Swords, Four of Wands. ठीक है,
वो दिस इज़ समबडी जो बहुत ही ओवर थिंक करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं छोटे छोटे सिचुएशंस को, या एटलीस्ट इस वक्त कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ रीज़न आपको एक्शन नहीं दिख रहा है इस पर्सन के साइड से. नाउ फॉर इंस्टेंस आई कैन टेल यू दैट ये पर्सन इज़ थिंकिंग ऑफ यू. ठीक है, आप दोनों का करंट सिचुएशन जो भी हो, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट और वट एवर, आई कैन सी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं. आई सी दिस एज समबडी हु इज़ काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड आपके थाट्स में. आपको लग सकता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, या इस पर्सन को फिक्र ही नहीं है. कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, बट आई सी दैट आप दोनों का जो कनेक्शन है, या एटलीस्ट इस पर्सन के लिए आपके साथ इनका जो इमोशन है, कनेक्शन है, ये छुपा हुआ है. इट इज़ हिडन. ओके, इट इज़ हिडन. एंड मे बी कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है एंड लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन है. अगर थर्ड पार्टी है, यू ऑलरेडी नो इट वर्गो, उन लोगों के लिए आई सी दैट आप इस पर्सन के लिए एक गिल्टी प्लेजर हो. ये लाइक ये कनेक्शन मे बी उनके फैमिली से छुपा हुआ है, एंड ये पर्सन बेसिकली आपको छोड़ के मूव ऑन कर भी नहीं पाते हैं, एंड ये आपके साथ 100% कमिट भी नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ ओवर थिंकिंग द सिचुएशन, कि छोड़ के जा भी नहीं सकते लाइक बिकॉज आप याद आते हो, एंड ये आपको कमिट भी नहीं कर सकते बिकॉज मे बी थर्ड पार्टी है, मैरिजेज है, फैमिली इश्यूज है, जो भी है. नाउ बाकियों के लिए जो लोग थर्ड पार्टी में नहीं हो, आई रियली फील दैट दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू. लाइक ये पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में. दिस पर्सन रियली रियली वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड. बट आई थिंक अगर इस पर्सन ने पास्ट में आपको हर्ट किया था, झूठ बोले थे ये पर्सन, या चीट किए थे, समथिंग लाइक दैट, अगर ये पर्सन शर्मिंदा है, ठीक है, ये पर्सन को समझ में आता है दैट इन्होंने क्या किया है, एंड ये पर्सन इसलिए आपका सामना नहीं कर सकते इस वक्त बिकॉज उनको पता है दैट मे बी उनका कोई राज था जो सामने आ गया है, या आपको कुछ पता चल गया है, और समथिंग लाइक दैट. और दिस कैन बी वर्गो दैट ये पर्सन इस वक्त, इस पर्सन को ऐसा लगता है दैट दिस पर्सन कैन नॉट ऑफर यू व्हाट यू डिज़र्व. सो मे बी आपको इस वक्त एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, आपको एक मैरिज चाहिए, आपको एक एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहिए. इट कैन बी दैट ये पर्सन इस वक्त रेडी नहीं है आपको वो सारे कुछ ऑफर करने के लिए बिकॉज मे बी इनके लाइफ में और भी प्रायोरिटीज़ है, या कुछ इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है जिससे ये पर्सन गुजर रहे हैं. सो फॉर सम ऑफ यू, इस पर्सन को लगता है इस वक्त वो आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे सकते जो आप चाहते हो या जो आप डिज़र्व करते हो. ओके, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. नाउ आई सी दैट ये पर्सन इस वक्त आपके कनेक्शन को एक प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं. दिस पर्सन इज़ नॉट इन अ हरी, ये पर्सन जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके. ये पर्सन बस सोच रहे हैं. दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट अ प्लान, लाइक डिसाइड कर रहे हैं या करना चाहते हैं दैट इस कनेक्शन को आगे जाके क्या करना है इस कनेक्शन के साथ, लाइक व्हाट शुड दिस पर्सन डू, सही डायरेक्शन क्या है, सही डिसीजन क्या है. सो ये पर्सन बस अपने फीलिंग्स को रियलाइज कर रहे हैं, या लाइक आई डोंट सी एक्शन, यू नो, मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा है. आई सी थाट्स, आई सी ऑब्सेशन. मे बी ये पर्सन को डिपेंडेंट है, दिस इज़ समबडी जिसके साथ आपने ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है, या यू आर सेपरेटेड एंड आपको लगता है दैट दिस पर्सन वॉज सेल्फिश काइंड ऑफ हो सकता है कुछ लोगों के लिए. सो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. ओके, एंड अगर मैं जोडियाक की बात करूँ वर्गो, मेरे पास है कैप्रिकॉर्न, आई हैव टॉरस, कैंसर, यस, टॉरस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न डोमिनेंट. ओके, कुछ भी हो सकता है, यू नो, जोडियाक्स ऑलवेज डजंट मैटर. सो लेट्स मूव ऑन वर्गो, एंड लेट्स सी आपके करियर में हम लोग क्या जान सकते हैं, देख सकते हैं इन दिस सिचुएशन. लेट अस सी योर करियर एंड फाइनेंसेस वर्गो. ओके, द विच, Knight of Pentacles, Four of Wands, wow, Seven of Wands, Six of Swords, Knight of Cups. ठीक है,
वर्गो, आई सी दिस एज आप सम ऑफ यू आप बहुत स्ट्रगल किए हो लाइफ में, या मे बी इस वक्त भी कर रहे हो, बट आई सी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, ठीक है, एंड नॉट इन अ बैड वे. आई सी दिस एज आपने स्ट्रगल किया है लाइफ में, एंड आपने उस स्ट्रगल से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है, एंड उस स्ट्रगल ने आपको हेल्प किया है लाइफ में फॉरवर्ड मूव करने के लिए. सो फॉर सम ऑफ यू, जो लोग यहाँ पे, आई सी दैट सम पीपल आर वरीड, सम पीपल थिंक दैट मैंने इतना मुश्किल से लाइक मेरा करियर मैंने इस्टेब्लिश किया है, या इतना मुश्किल से मैं इस जगह तक पहुँची हूँ, एंड इसके आगे क्या होगा वो सोच के मुझे डर लगता है. बिकॉज दिस कैन बी बिकॉज कि अभी ये पैंडमिक है, एंड सब लोगों का सिचुएशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है ऑब्वियसली, बट ये मे बी इसलिए, मे बी किसी और रीज़न के लिए, बट आई सी सम ऑफ यू आर काइंड ऑफ क्लोज्ड ऑफ, सम ऑफ यू आर रियली वॉरिड कि इसके आगे क्या होगा, यू नो, कि आपने जब स्टार्ट किया था आपने सच में 100% हार्डवर्क डाला है, आपने 100% ऑथेंटिकली आपने कोशिश किया है अपने लिए, चाहे वो आपके पढ़ाई लिखाई हो, आपका जो भी करियर हो, जो भी करते हो आप एज अ प्रोफेशनल और एज व्हाट्सो एवर, एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट इस वक्त आपका जो प्रोग्रेस है मे बी वो थोड़ा सा स्लो है, यू नो, मे बी फॉर सम ऑफ यू, बट डोंट वरी, ये कोई एंड नहीं है, या ये कुछ नेगेटिव नहीं है. हर एक करियर में, हर एक सिचुएशन में जैसे अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं, लाइक किसी का भी करियर या फाइनेंसेस हमेशा बहुत अच्छा नहीं रहता है, उसमें कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी थोड़ा सा कम अच्छा होता है, काइंड ऑफ. सो दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग विथ यू, ठीक है. सो स्पिरिट इज सेइंग कि यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है. सम बिकॉज आई फील सम ऑफ यू यहाँ पे आप सोच रहे हो दैट आप कर नहीं पाओगे, एंड मे बी यू आर लीविंग अ सिचुएशन. सो फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत मुश्किल से एक बिजनेस को स्टार्ट किया था, एंड आप बहुत मुश्किल से उस बिजनेस के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, आप सब कुछ कर रहे थे, एंड देन मे बी थोड़ा सा आपको प्रॉफिट्स कम हो गया, या थोड़ा सा आपको लाइक स्ट्रगल दिखने लगा, एंड आपको लगा दैट यू नो ये बिजनेस काम नहीं करेगा, दिस इज़ नॉट फॉर मी, एंड आप सोच रहे हो कि बिजनेस को छोड़ दें. स्पिरिट इज सेइंग डू नॉट डू दैट, ठीक है. आप जो भी यहाँ पे पाथ फॉलो कर रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें अगर आप चाहते हो, अगर आप पैशनेट हो, आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो. बट अगर आप इस वक्त छोड़ दोगे, अगर आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि ये करे, वो करे, क्या करे, लाइक देन नथिंग कैन हैपन, ठीक है. उस लाइक देन यू विल नॉट सी दैट सक्सेस सूनर. सो ये टाइम है अपने एनर्जीज को स्टेबलाइज करने का. अगर आपको लगता है दैट आपका फिनेंशियल सिचुएशन या ओवरऑल करियर वाइज सिचुएशन इस वक्त थोड़ा सा डाउन है, इस वक्त थोड़ा सा उतना प्रॉफिटेबल नहीं है आपके लिए, स्पिरिट इज सेइंग जस्ट हैंग ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, बिकॉज नियर फ्यूचर में थिंग्स विल गेट बेटर. थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट थिंग्स आर गेटिंग बेटर. एंड रिमेंबर आपने कितना मुश्किल से ये शुरू किया था, रिमेंबर आपने कितना मेहनत किया था, रिमेंबर आप क्या क्या किए थे, आपने क्या क्या लाइक किस सारे प्रोसेस के थ्रू या प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस के थ्रू गुजरे थे ये करने के लिए आज आप जहाँ पे हो. सो बी प्राउड ऑफ दैट एंड कीप होल्ड लाइक होल्डिंग ऑन. लाइक ये टाइम नहीं है टू बी इन अ रश, या फिर यू नो इनडिसाइसिव हो जाए कि क्या करे, कौन सा ऑप्शन चूज करे, ये छोड़ के वो करे, वो छोड़ के कुछ और करते हैं एंड एक्सपेरिमेंट करते हैं. दिस इज़ नॉट द टाइम टू एक्सपेरिमेंट हुआ गो. दिस इज़ द टाइम कि आप अपने एनर्जीज को ग्राउंड करें, एंड यू कॉन्सेंट्रेट कि आप क्या कर रहे हो, एंड यू वर्क हार्ड फॉर दैट, डोंट गिव अप. आई ऑल्सो सी ट्रैवलिंग फॉर सम ऑफ यू, मे बी आप ट्रैवल करके कहीं जा रहे हो, या आप बाहर थे एंड आप ट्रैवल करके वापस आ रहे हो अपने घर, ओके. एंड फॉर सम ऑफ यू आप मे बी ये जो ट्रैवलिंग है, ये ट्रैवलिंग इसलिए कर रहे हो बिकॉज आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो. मे बी आप कहीं और जाके एक नया करियर स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या मे बी आप कहाँ बाहर जॉब वगैरह करते थे, एंड आप वो छोड़ के वापस अपने घर पे आ रहे हो, एंड यहाँ पे आप कुछ करना चाहते हो, चाहे वो इंडिया में हो या जहाँ पे भी हो. सो आई सी दैट हैपनिंग फॉर सम ऑफ यू, ठीक है. वो यू विल बी डूइंग गुड, डोंट वरी. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई थिंक आपका प्रोग्रेस इस वक्त स्लो है, एंड दैट इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ टेंशन कि क्यों स्लो है, क्या है, वो है. एंड स्पिरिट इज सेइंग जस्ट वेट, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट बी पेशेंट, डोंट गिव अप, ठीक है. डू नॉट गिव अप,
दिस इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड वर्गो, बैलेंस विल बी रिस्टोर्ड इन दिस सिचुएशन. सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर योर करियर. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर मैसेजेस एंड गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर माई वर्गोज. What can we have for you, Virgos? The distraction of shiny things. Okay. Overthinking can spoil the magic. Yes. You are magic. I think ये card Gemini के लिए भी निकला था. सो मे बी आपके चार्ट में हो सकता है जेमिनी है. व्हाट डज योर सोल से, ब्यूटिफुल. एंड आपका बॉटम डेक एनर्जी है एक्सेप्ट एंड रिसीव. ओके सो वर्गो, व्हाट डू वी सी हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मैजिशियन वाइब, यू नो द मैजिशियन कार्ड जेमिनी एनर्जी. सो आई वुड लाइक टू से दैट इस वक्त है, दिस इज़ द टाइम यू क्रिएट. जो लोग कुछ क्रिएट करना चाहते हो, अगेन ये जनरल यूनिवर्सल एडवाइस है आपके लिए. सो नेसेसरी नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर चीज़ से रेजोनेट करे, लाइक लव लाइफ, करियर, या लाइक ये कुछ भी हो सकता है जैसे आपको रेजोनेट करे. हेल्थ हो सकता है, लव हो सकता है, फ्रेंडशिप, फैमिली, एनीथिंग. सो ओके, so with the magician vibe I can tell you that this is the time you manifest, this is the time you create. So like you are magic, you are powerful, Virgo. अगर आप जो लोग manifestation कर रहे हो या वैसे कुछ करते हो, journaling वगैरह, I see this is the right time, you know, this is a very powerful time कि आप manifest करें. For others of you, if you are wanting to have a kid, a child, a baby, लाइक मे बी आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक यू आर बेसिकली क्रिएटिंग अ फैमिली, क्रिएट करना चाहते हो एक बेबी और समथिंग, आई सी दैट हैपनिंग. ठीक है, सो दोज ऑफ यू जो कुछ क्रिएट कर रहे हो अपने से, इट कैन बी अ फैमिली, हो सकता है आप एक आर्टिस्ट हो सकता है आप कुछ लाइक यू कोई क्रिएटिव काम करते हो आप, या आप बस मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को अपने लाइफ में, पॉजिटिविटी, अबंडेंस, व्हाटएवर. I see this is the time. This is the time for you, Virgo. ये time है अपने powers को seriously लेने का and creating that dream life for yourself. Obviously, दो दिन में कोई अपना dream life create नहीं कर सकता है, but you can at least start trying, taking that first step, you know. Okay? So, then I see that the distraction of shiny things and also overthinking can spoil the magic. Okay, so I feel there can be people, situation आपके आस पास who will try to distract you in this situation, या you know ये time में, like अगर मानो the universe will test your belief, your faith. ठीक है, suppose आप confident हो एक चीज़ के बारे में and you are working hard for it. मैं बस एक example दे रही हूँ, ठीक है, कि चलो मानो अपने career में आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, maybe आप सिंगर बनना चाहते हो, बट आपके फैमिली में किसी ने सिंगर लाइक कोई उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है सिंगर बनना. मे बी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एंड पीपल वॉन्ट यू टू बी डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एंड ऑल दैट स्टफ. सो द यूनिवर्स विल टेस्ट यू, वर्गो, दैट क्या आप अपने पैशन के साथ, क्या आप अपने खुद के साथ, अपने फेथ के साथ स्टिक करके रह सकते हो. मे बी आपके पास ऑफर्स आएंगे दूसरा कुछ करने का, मे बी लोग आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे, मे बी द यूनिवर्स विल ट्रिक यू अराउंड. सो दिस इज़ द टाइम यू हैव फेथ, यू बिलीव इन योर सेल्फ. लोग कुछ भी बोले, कुछ भी करे आपके लिए, जितना भी डिस्ट्रैक्शंस हो, टेम्पटेशंस हो, डू नॉट लूज कॉन्फिडेंस एंड फेथ, वर्गो. एंड दिस कैन ऑल्सो बी इन योर लव लाइफ. लोग मे बी आपके लव लाइफ में, स्पेशली अगर आप सिंगल हो, आप ढूंढ रहे हो अपने लिए एक सूटेबल पार्टनर, हो सकता है ऐसे लोग आएंगे जो लोग मे बी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होंगे. बाहर से वो लोग ऐसा दिखाएंगे दैट दे केयर, वो लोग अच्छे हैं, वो आपका अच्छा चाहते हैं, दे आर वेल विशर्स,
ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है, दैट ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो प्रिटेंड करते हैं कुछ, यू नो दैट दे आर नॉट. सो दिस इज़ द टाइम यू डू नॉट टेक पीपल फॉर देयर फेस वैल्यू. कोई बाहर से कैसा है या कोई बाहर से आके आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है या लोग आपको जस्ट क्यों कन्विंस कर रहे हैं, डोंट फॉल फॉर दैट. यू नो लुक डीप विद इन कि आप क्या बिलीव करते हो, आपका इंट्यूशन आपसे क्या कहता है. जस्ट बिकॉज कोई कुछ कह रहा है या जस्ट बिकॉज आपको बाहर से एक सिचुएशन देख के कुछ लग रहा है, डजंट मीन दैट इट इज़ ट्रू. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बाहर चला गया है, इंडिया छोड़ के कोई US चला गया है, एंड वहाँ से आपको देख के लग रहा है ओ माई गॉड उसका लाइफ कितना अच्छा है, वो कितना खुश है, कितना उसका लाइक इनकम बढ़ चुका है, उसका तो लाइफ ही बन गया है. बट मे बी इन रियालिटी वो पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पे जाके, वो पर्सन लाइक बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत ख़राब हो गया है उनका लाइफ, स्ट्रेसफुल हो गया है उनका लाइफ. तो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स वर्गो. सो डोंट फॉल फॉर द फेस वैल्यू ऑफ थिंग्स, गो विद इन, लुक विद इन कि सच्चाई क्या है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम दिस कैन हैपन कि आपको बाहर से कुछ लोग, बाहर से कुछ चीज़ें, सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगे. बट स्पिरिट वॉन्ट्स टू टेल यू दैट डू नॉट फॉल फॉर दैट. ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल. ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक. वॉट डज योर सोल से? एज आई सेड, कुछ लोग मे बी ओवर थिंक करते हो यहाँ पे. यू गाइज ओवर थिंक, यू गाइज ओवर एनालाइज अ सिचुएशन. सो स्पिरिट इज सेइंग कि दिस इज़ अ जर्नी एंड यू नीड टू फॉलो दैट. हर चीज़ को ओवर थिंक मत करो. यू नो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, लाइक इतना सारा क्वेश्चन है आपके मन में, इतने सारे डाउट्स है, इतना सारा कन्फ्यूशन है फॉर सम ऑफ यू दैट इट इज़ बिकमिंग अ ब्लॉकेज फॉर यू. आप खुद ही ये सब सवाल पूछ के खुद को लाइक अपने लाइफ में ब्लॉकेजेस डाल रहे हो. सो स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू जस्ट गो विद द फ्लो. You know, go with the flow, trust your intuition, trust and don't ask so many questions. Also with this magic, I can feel that jo log yahan pe manifest kar rahe ho ya you are really working hard for something, not only manifestation, but aap continuously us hard work ko, us cheez ko doubt kar rahe ho. Maybe Virgo, आप मेहनत कर रहे हो बट द नेक्स्ट मोमेंट आप उस मेहनत को डाउट कर रहे हो कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ बट क्या मुझसे हो पाएगा, क्या लाइक मुझसे भी ज़्यादा अगर किसी ने स्कोर कर लिया तो क्या होगा, किसी ने अच्छा कुछ कर लिया तो क्या होगा. स्पिरिट इज सेइंग देन दैट विल नॉट वर्क. अगर आप कंटिन्यूसली डाउटफुल एनर्जी में रहोगे, ओवर थिंक करोगे, नेगेटिव सोचोगे, देन आपका मैनिफेस्टेशन, आपका हार्ड वर्क कुछ भी काम नहीं करेगा. बिकॉज आप यूनिवर्स में जो एनर्जी डालते हो वही एनर्जी आपको मिलता है. यू नो आपका बॉटम डेक एनर्जी, remember, accept and receive. So positivity is what you need to receive. Positivity डालो, positivity आपके पास वापस आएगा. Receive that positivity. And do what your soul says. This is not the time कि आप हमेशा logical रहना ज़रूरी नहीं है, हमेशा practical रहना ज़रूरी नहीं है, हमेशा उस यू नो हम अपने लाइफ में एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि इतना करना ही है, इतना कमाना ही है, इतना ये वो हज़ारों लाइक हम लोगों ने बनाया है इस स्टैंडर्ड को, सोसाइटी ने बनाया है इस स्टैंडर्ड को. एंड स्पिरिट इज सेइंग एटलीस्ट फॉर नाउ लिसन टू योर सोल. जब हम लोग बच्चे रहते हैं हम लोगों को इतना समझ में नहीं आता है, एंड हम लोगों के कितने बड़े बड़े सपने होते हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे लाइफ में वहाँ जाना है, ये वो बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं. सो स्पिरिट इज आस्किंग यू वो सारे ड्रीम्स कहाँ गए. आप डर चुके हो, जितना आप बड़े होते गए आपको डर लगता गया कि आप नहीं कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस कम होता गया एंड वो सारे ड्रीम्स खो गए एक दिन. सो स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू ड्रीम अगेन. हमेशा इतना प्रैक्टिकल मत रहो. हाँ, अननेसेसरीली ड्रीम मत करो जो नहीं हो सकता, बट टेक योर ड्रीम्स टू द नेक्स्ट लेवल. डरो भी मत, हमेशा प्रैक्टिकल सोचने की भी ज़रूरत नहीं है. यू नो लिसन टू योर सोल, लिसन टू योर इंट्यूशन, टैप विद इन. यू आर द वर्गो, यू आर द हर्मिट, गो विद इन. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. And I hope ये आपको अच्छा लगेगा, resonate करेगा. And अगर करें then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of this family. And मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then, take care and goodbye.